वेलकम बैक टू फेस द रिव्यू आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हलो की और हमारे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री एंड राइटर चेतन भगत सो लेट्स टेक द फाइनल वर्ड फ्रॉम द ऑडियंस हाँ तो कोमल जी मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं आपके रिव्यूज का क्रिटिक हूँ बट आज ये आपका रिव्यू सुनने के बाद मुझे कुछ मिला नहीं उसमें कि मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकूँ

जैसे आपने बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं द ईजी गोइंग स्टाइल जो इट्स इट्स अ फ्लो दैट यू यू नो फिनिश द बुक इन से फाइव सिक्स आवर्स बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है क्या आप वो चेंज करेंगे क्या आप वो इमोशन डालने के लिए वो फ्लो चेंज करेंगे आई एम वेरी ईगर टू नो एज अ फैन बेसिकली आप कहना चाहते हैं मत करो चेंज है ना आपने मुझे बनाया है आपके लिए फिल्म बनाई है तो आई हैड टू आई नो वट वर्क फॉर यू एंड वट ड लेकिन uh, अगर ऐसा नहीं है कि एक ही डिश में सारे टेस्ट आने चाहिए तो अगर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ी है तो वो एक अलग स्क्रिप्ट होगा हो सकता है वो स्ट्रेट स्क्रिप्ट हो लेकिन जो बुक्स में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं वो बुक्स का स्टाइल वही रहेगा एंड ना मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट करने वाला हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा बुक्स एक बुक एक स्क्रिप्ट मेरा गोल है एंड uh, वो रहेगा ही आई विल नॉट डिसअपॉइंट माई बुक रीडर्स दैट इज़ माई कोर कोर मतलब रीडरशिप एंड दैट इज वॉट आई लिव ऑन फिल्म इज जस्ट दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट येट विद सम इंटेंशन एंड वो ठीक गया है एंड बट लेकिन इनका फीडबैक जो इतने सालों से ये कर रहे हैं भी बहुत जरूरी है एंड वाई नॉट क्या उसने टिकट नहीं ली तो शायद वो प्रोडक्ट और हो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब मैं अपने रीडर्स को छोड़ के उधर चला जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं है सो so, लेकिन समझ के करूँगा ट्राइंग टू तो बैलेंस इट आउट सा आई डोंट नो इफ आई कैन डू समथिंग जो सबको पसंद आए और अगर नहीं पसंद आएगा तो यू you नो know, एक के लिए एक सब्जी बनेगी दूसरे के लिए दूसरी सब्जी बनेगी हो सकता है बट आई विल नॉट मेक अ बिग खिचड़ी ऑल्सो नहीं सर ऐसा भी, <laughs> भी नहीं करना चाहिए ना इट हैज टू स्टिल मेक सेंस आधे आधे मिनट में क्या कहना चाहेंगे आपकी फिल्म के बारे में ऑडियंस के बारे में मेरे फिल्म का हीरो कहानी है मेरे फिल्म का हीरो चेतन भगत है मुझे इसकी कहानी की लिखाई अच्छाई नियत सच्चाई हर चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे लगा कि चेतन बाकी सिनेमा देख के बाकी किताबें देख के इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिखते हैं ये एक ओरिजिनल है अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स माय बेट इज़ ऑन द कंटेंट मेरे लॉ सलीम खान ने बहुत अच्छी तरह बोली है ये बात

अतुल हम बिल्कुल ये मानते हैं कि कंटेंट ही किंग है और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें ऐसे ही बहुत सक्सेसफुल और एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिले चेतन वी रियली लुक फॉरवर्ड टू सी मोर फिल्म अडाप्टेशन्स ऑफ योर बुक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन फेस द रिव्यू प्लीज़ गिव दैम राउंड ऑफ अ थैंक यू सो मच सवाल जवाब लेकर इसी मंच पर हम फिर हाजिर होंगे विद अनादर लेटेस्ट फिल्म रिव्यू लेकिन आप अपने सजेशंस और फीडबैक हमें जरूर भेजें ऑन www.zoomtv.in या फिर एसएमएस करें 5888 पर बट डोंट फॉरगेट टू वॉच फेस द रिव्यू ओनली ऑन Zoom इसको देखो